ऐद नाल भी होगी लड़ाई। तो यार मैं अभी सोच रहा हूँ, अभी हम कुफरी से तो निकल चुके हैं, शिमले के रास्ते पे हैं, और फिर वहाँ से क्या है, मेरा मन बन रहा है कि मैं अपना पटियाले से होते हुए आ जाऊँ घर पे, और बीच में सोलान में देखेंगे अगर रास्ते में, क्योंकि यार रात रात में हमने पहाड़ नहीं उतरने, अब अंधेरे से पहले जल्दी उतर जाना है। चंडीगढ़ 134 किलोमीटर है, तो भाई डाउन हिल है, थोड़ी जल्दी उतर जाएंगे, रात में खतरनाक है यार, क्योंकि ये इतना ट्रैवल मेरे को सही नहीं लगता। रात को प्लेन रोड हो फिर भी ठीक है, बट पहाड़ों पे नहीं। जो टेलीस्कोप वाले अंकल थे बहुत अच्छे लगा उनसे बात करके। किसी जगह पे जाते ना तो वहाँ पे ठहर के रुकना चाहिए, महसूस करना चाहिए और लोगों से बात करनी चाहिए। मुझे यही नहीं समझ आ रहा कि यार प्रीत पाजी के साथ ही आजकल गाड़ी वालों के साथ क्यों ही लड़ाई हो रही। मैं ये नहीं चाहता मेरे साथ हुए। मैं मौज मस्ती कर रहा हूँ भैया, इनकी को आड़े टेढ़े बंदे मिल रहे हैं, बट होता क्यों है यार इनके साथ ऐसा। ऐद नाल भी होगी लड़ाई, ऐद नाल भी होगी। खुश रहो, क्या हुआ? थोड़ी दो चार चीजें बंद है, गाड़ी चला के हम ये साइड सीन और अब दूसरी जगह जा रहे हैं टॉय ट्रेन के लिए। और देखो टॉय ट्रेन का क्या हिसाब है, बैठने तो वाले नहीं है लेकिन स्टेशन पे तो जाएंगे, क्या फील है वो तो लेंगे अभी। और मेरे कैमरे की बैटरी भी खत्म हो गई यार, यहाँ की भाई विधानसभा भी बहुत तगड़ी है, वहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है क्योंकि इतनी मिलिट्री पुलिस वाले रहते ना यार, क्या करें। देख रहे यार इतनी पुरानी पुरानी बिल्डिंग है, मैम जितनी भी ओल्ड है जो पुरानी पुरानी चीजें होती है ना यार, इतनी मस्त लगती है ना, क्योंकि उससे इतिहास जुड़ा होता है यार, इतिहास में बहुत कुछ है यार, बहुत चीजें हैं। यहाँ पे जो हट वाले घर होते हैं ना, ये बड़े प्यारे लगते हैं मेरे को, हट वाले घर। ऐसे हट वाले घर होने चाहिए, दिल्ली में तो होते ही नहीं है। तो गाड़ी का क्या हाल कर दिए बंदे। शिमला से कुफरी जाने के लिए ऐसी दो टनलें मिलेंगी, और अब यहाँ से उन्होंने लेफ्ट, क्योंकि यार ये क्या हो गया, किस चीज का चालान कर रहे हैं लोग। भाई साहब ये पता है किस चीज का चालान हुआ, तब जो आगे गार्ड लगा रखा था ना वो भी अलाउड नहीं है यहाँ पे, क्या हर जगह ही नहीं अलाउड। और जैसे देख रहे हैं बिना उसके गार्ड के, ये भी यार सही चीज है, बिकॉज यार जो एयरबैग की दिक्कत होती है ना, फिर वो एयरबैग ऐसे इसलिए नहीं खुलते क्योंकि वो लोहे में रुक जाती है गाड़ी, और एक्सीडेंट हो जाता है चोट पूरी आ जाती है, बट गाड़ी को चोट कम लगती है, तो इसी चक्कर में लोग लगवाते हैं यार, ये गलत चीज है। और ये रहा नीचे, यहाँ से दिखा शिमला का टॉय ट्रेन का ट्रैक, और शिमला के पुलिस वाले यार इतने बढ़िया, इतने फ्रेंडली नेचर, एंड आ गया भाई टॉय ट्रेन का रास्ता यहाँ से नीचे से प्रवेश। उत्तर रेलवे शिमला नॉर्थ एंट्री, नॉर्दर्न रेलवे शिमला। लोग आ रहे हैं मतलब, और मेरे को दिख रही है सीधा सीधा सामने, और ट्रेन भी है यार, किस्मत अच्छी है कि ट्रेन देख सकता हूँ। बाबा रेलवे के लिए नीचे से, रेलवे रेलवे टॉय ट्रेन का स्टेशन, गाड़ी यही खड़ी करनी पड़ेगी, गाड़ी चली जाएगी वही तो। चलो जी, यहाँ राज तो था लेकिन राज की सिमरन नहीं दिखी यार मुझे, राज की सिमरन न जाने कब तक आए, लेकिन आप लोग यहाँ तक आए राज के साथ 6810 फीट की ऊंचाई पे। और इस टॉय ट्रेन रेलवे स्टेशन का निर्माण 1903 में हुआ, और यहाँ की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो मेरे दिल में छप गई, सुनिए। मिटाए सीमा देश की, बने एक परिवार, फिर देखो एकता का चमत्कार। वाह, इसी बात पे यार लाइक ठोक दो और कमेंट डाउन कर दो। ओहो यार ये चीज देख रहे हो, ये मतलब इसलिए होता है कि जब यहाँ पे इंजन आता है उसको पलट के ऐसे घुमा के दूसरी डायरेक्शन में करते थे, अपोजिट साइड में, ये चेंजिंग के लिए होती है। और टिकट ऊपर से लेनी पड़ती है, बट हम टिकट क्यों लें जब हमने जाना ही नहीं है।
आ गई आ गई। यहाँ पे बहुत अच्छा मैसेज लिखा है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अच्छा लगा यार यहाँ पे आके। ए ये 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 भाई साहब क्या बना रखा है, कैसे बढ़िया। एक बारी अंदर चल के देखते हैं कैसी दिखती है यार। सही है, एसी लगा भाई, क्या ही व्यू आता होगा यार ऐसी गाड़ियों से। मतलब बहुत अच्छी यार, कालका शिमला बहुत अच्छा बना है यार ये चीज़ तो, और बहुत साफ सुथरा है यार ये, अच्छी लगी ये चीज़। डीलक्स मोड, इसका एक बार पूरा चल के देखते हैं। मतलब यार बहुत अच्छी चीज़ बना रखी यार ये। हाँ सही है, क्या ही व्यू है यार। ये देख रहे हो भाई, कालका शिमला ट्रेन, और जहाँ तक मैंने बात करी है अपना शिमला से कसौली जाने के लिए ना 4 घंटे लेती है ट्रेन, और ज़्यादा कुछ फेर इसके है नहीं। बट बहुत ही अच्छा है यार, साफ़ सुथरा और इतनी शांति यार। अगर मेरे पास टाइम होता ना तो ज़रूर मैं इसमें ट्रैवल करता और इसकी एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाता। बहुत अच्छी बनी है ये, पहला ऐसा स्टेशन है जिसमें इतने साफ सुथरा और इतने बढ़िया आर्किटेक्चर बना रखे ना, इतने बढ़िया बिल्डिंग, साफ सुथरी वुडन वर्क देख रहे हो, वुडन वर्क काम अच्छा कर रखा है। देख रहे हो सारे इंजन खड़े हैं, अच्छी बात है, किस्मत है कि चल रही है। तो यार आगे हम शिमला की ट्रेन में एंड कुछ ऐसा बैग रख सकते हो और ऐसे सीनरी का एंजॉय कर सकते हो। हाँ बहुत ही तगड़ी, और यह ट्रेन लवर के लिए बहुत अच्छी रहेगी। एंड मुझे ना बहुत पर्सनली, मैं पहली बार ट्रेन में ऐसी बैठूँ जिसको देख के मुझे अच्छा लग रहा है भाई। एसी भी लगा है, वोल्टास एसी, एसी भी सही लगा यार। कालका शिमला जी के साथ हमने ट्रेन के साथ बहुत सारी फोटोज भी खिंचाई हैं, तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। बाकी अब यहाँ से, हाँ वीर जी चल रहे हैं दिल्ली, दिल्ली करेक्ट, दिल्ली तुसी हुन स्टॉप, दिल्ली तुसी हुन दिल्ली निकल जाऊंगा, नॉन स्टॉप दिल्ली, मैं चंडीगढ़ तो पटियाले दिल्ली, डन जी डन, डन डन डन। चलो जी मिलते हैं फिर आगे जाके, चलो बाय बड़ी। देख रहे हो रास्ता, सामने पहाड़, पहाड़ों के बीच में ट्रेन आया है, स्वाद ही आ जाएगा। यहाँ से दिल्ली के लिए भी रास्ता है, कह रहे मतलब टिकट का फेयर लिखा है 165 रुपये में दिल्ली पहुँच जाऊँगे। स्लो स्लो स्लो, बहुत बड़ा टाइम लगी है पहुँचने में।